स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे एक नए व्लॉग में, मेरे एक नए वीडियो में। जैसा कि आप मेरे पीछे ये जो मकबरा देख रहे हैं, ये मकबरे का नाम है आदम खां का मकबरा। इस मकबरे को, महल को भूलभुलैया महल भी कहते हैं। ये महरौली के शहर में इस मकबरे के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं बाय मेट्रो, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊँगा। ये महल महरौली में बना हुआ है। आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं बाय मेट्रो, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी देखना और घूमना चाहते हैं आदम खां का मकबरा, तो आ जाइए महरौली कुतुब मीनार के पास में। महरौली चौक, कुतुब मीनार, महरौली के बस टर्मिनल के पास में ये चौराहे पर मकबरा बना हुआ है। आदम खां का मकबरा महरौली में आपको दूर से ही दिखाई देगा, काफ़ी ऊँचाई पर ये मकबरा बना हुआ है। करीबी मेट्रो स्टेशन की बात करें, कुतुब मीनार या छतरपुर मेट्रो से आप इजीली 10 मिनट में ऑटो से आ सकते हैं। टिकट प्राइस की बात करें, ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, यहाँ कोई टिकट चार्ज नहीं लगता है। और सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये मकबरा खुला रहता है, हफ्तों के सातों दिन खुला रहता है। तो देख सकते हैं, ये है मेन एंट्री गेट, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। अंदर चल के आपको आदम खां का मकबरा दिखाएंगे और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है आदम खां की। ये जो आप सामने मकबरा देख रहे हैं, इमारत देख रहे हैं, इस मकबरे का नाम है आदम खां का मकबरा। इसमें आदम खां की और उनकी मां की कब्र है। और इस इमारत को भूलभुलैया महल भी कहते हैं। और इस महल को सन 1562 ईस्वी में मुग़ल सम्राट राजा अकबर ने निर्माण कराया था। अकबर के ये सौतेले भाई हुआ करते थे आदम खां। आदम खां अकबर की धाई माँ महम अनंगा का छोटा पुत्र होने के नाते रिश्ते में अकबर का दूध भाई था। अकबर का चहेता होने के नाते आदम खां को बेहद ही ताकतवर सेनापति था। लेकिन अकबर के दूसरे सेनापति अदगा खां की हत्या कर देने के बाद अकबर ने इस जुर्म पर मौत की सज़ा सुनाते हुए आदम खां को आगरा के किले की दीवार से सिर के बल नीचे फेंक देने से हुक्म दे दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में अकबर ने आगरा से यहां दिल्ली में महरौली में इसी मकबरे को बनवा के यहाँ पर आदम खां को दफन कर दिया था। आदम खां की मौत के बाद में मां अनंगा 40 दिन तक गम के मारे उनकी भी मौत हो गई थी। और देख सकते हैं आप, इसी मकबरे के अंदर आदम खां उनकी मां की कब्र बनी हुई है। हालांकि ये मकबरा बंद रहता है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ पर लॉक लगाया गया, अंदर नहीं जा सकते हैं। यहीं पर दोनों माँ बेटे की कब्र बनाई गई है। यह मकबरा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ऊंचाई पर यह बना हुआ है, महरौली के चौराहे पर। और इसमें देख सकते हैं आपको कितने पिलर लगे हुए हैं, काफ़ी पिलरों का उपयोग करके इस मकबरे का निर्माण किया है, देख सकते हैं। और इसमें लाल और सफ़ेद भूरे रंग के पत्थर का उपयोग करके इस मकबरे का निर्माण किया है। मैं इस मकबरे के अंदर दरवाजे के अंदर कैमरा डाल के आपको अंदर का नज़ारा दिखाएँगे। अंदर दो कब्रें बनी हुई हैं, जो आदम खां और उनकी मां अनंगा की कब्र बनी हुई है, देख सकते हैं आप। ये अंदर कब्रें बनी हुई हैं और अंदर आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। अंदर काफ़ी शांत एरिया है, काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों, जब यहां पर अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों ने इस मकबरे पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने इस एक अंग्रेज़ ने इस यहाँ पर जो कब्रें बनी हुई हैं उनको तोड़ दिया था, उखाड़ दिया था यहाँ से। दोस्तों, इस मकबरे को सन 1830 दशक में ब्लैक ऑफ बंगाल सिविल सर्विसेज के नाम से मशहूर एक ब्रिटिश सिविल सेवक द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था, जिन्होंने आदम खां और महम अनंगा की कब्रों को उनके डाइनिंग हॉल को समायोजित करने के लिए तोड़ दिया था। दोस्तों, आदम खां को आगरा में दफनाने क्यों नहीं दिया था? सन 1562 में अकबर के सेनापति में से एक अदगा खां की हत्या कर देने पर बादशाह अकबर के आदेश पर आदम खां को आगरा के किले की दीवार से दो बार नीचे गिराया गया था, जिससे बादशाह इतना नाराज़ था कि आगरा में इसे दफनाने भी नहीं दिया और आदेश दिया कि इसे दिल्ली ले जाकर दफनाया जाए। इस मकबरे के अंदर जाने का और छत के ऊपर जाने का जीना बिल्कुल बंद है, दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है।
दोस्तों ये मकबरा मुगलकालीन मकबरा है, मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो लोधीकालीन है। लोधी की तरह लोधी शासन में जो इमारतें बनती थीं वो ऐसे ही बनती थीं। अकबर का कहना है कि मेरा जो दुश्मन है वो लोधी शासन है, लोधी समाज से और अकबर में काफ़ी जंग हुई थी, तो अकबर का मानना था कि लोधी हमारे दुश्मन है और अतका खां भी उनका दुश्मन बन गया था क्योंकि उनके सेनापति का कत्ल कर दिया था भरी सभा में। तो इसीलिए अकबर ने आदम खां को मार के दिल्ली शहर में यहाँ दफनाया गया था। उनका कहना था यहाँ पर हमारे दुश्मन रहते हैं, दुश्मनों का इलाका है लोधी शासन, इसीलिए लोधी शासन की तरह यहाँ पर ये मकबरा बनाया। दोस्तों दिल्ली के जितने भी मैनुमेंट में मैं गया हूँ, घूमा फिरा हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ पर बिल्लियाँ देखने को मिली हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक कितनी खूबसूरत ये बिल्ली बैठी है, और ऐसे ही कई बिल्लियाँ हर मैनुमेंट में पुरानी इमारतों में ऐसी बिल्लियाँ पाई जाती हैं। कितनी खूबसूरत बिल्ली है, और मैं इसके पास खड़ा हूँ और ये बिल्कुल हट नहीं रही है, काफ़ी अच्छी बिल्ली है। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दिल्ली के मैनुमेंट की हिस्ट्री जानने के लिए, दिल्ली में ट्रेवलिंग करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर जगहों की वीडियो के साथ, हिस्ट्री के साथ, डिटेल के साथ, जानकारी के साथ आपको वीडियो दे सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। थैंक्स, धन्यवाद।